इसी जुटान के इस सत्र के अध्यक्ष जी, सभागार में उपस्थित भाइयों तथा बहन, स्वदेशी जुटान के संबंध में एक पत्र जारी किया था राम बहादुर भाई साहब ने, जिस पत्र में यह चर्चा थी कि वर्तमान में देश में भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है, भ्रष्टाचार के विरोध में देश की जनता में गुस्सा है और उसके खिलाफ कई मोर्चों पर आंदोलन चल रहा है। स्वदेशी भाव से जागृत कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि स्वदेशी जुटान में सम्मिलित होकर इस आंदोलन को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, इस बात का विचार करेंगे, योजना बनाएंगे। अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है इस देश में, इस देश के 6.5 लाख गांव में भ्रष्टाचार के विरोध में बहस भी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले अन्ना के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरोध में जो अनशन चल रहा था समाप्त हुआ। कई वक्ताओं ने उस आंदोलन के बारे में, उस मुहिम के बारे में चर्चा की। उसके पहले रामदेव जी के नेतृत्व में चलने वाला भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन की भी चर्चा आई। अध्यक्ष जी, मैं किसान हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। भ्रष्टाचार की सबसे मार गांव पर पड़ती है। इस देश में कृषि प्रधान होने के नाते, देश होने के नाते किसानों पर पड़ती है। इस बात को मैं महसूस करता हूं, जानता हूं। लेकिन एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार करता कौन है? भ्रष्टाचार हो कब से रहा है? वर्तमान के भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन जो चल रहे हैं, इस बात के संदर्भ में मैं जरूर कहूंगा। लेकिन इस बात को सुनकर हैरानी हो जाता हूं अध्यक्ष जी, कि लोगों को ये लगता है कि भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन केवल अन्ना के नेतृत्व में पहले शुरुआत हुई है, नहीं तो रामदेव जी के नेतृत्व में पहले शुरुआत हुई। मैं कह सकता हूं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कि हिंदुस्तान के 1947 की आजादी के बाद यह भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाला तीसरा आंदोलन है, और यह आंदोलन एक युद्ध की तरह होगा। हमेशा इस देश में हम सनातन परंपरा के पोषक लोग हैं, सनातन परंपरा के इस देश में अपने भारत के इतिहास से कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं, उसकी प्रेरणा लेते हैं, तो उस पर चलने की, अमल भी करने की सोचते हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन आज से नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि भूमंडलीकरण का दौर चला, आर्थिक उदारीकरण का दौर चला, लोगों की लड़ने की आदत बंद हो गई है, सुविधा में जीवन जीने की आदत पड़ गई है। लेकिन मैंने देखा अन्ना के आंदोलन में सुविधा से जीने वाले लोग ज्यादा अगुवाई कर रहे थे, गांव में तो और लोग लड़ ही रहे थे। ये भारत की परंपरा है, भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति। और अध्यक्ष, इसीलिए मैं हैरान हो जाता हूं कि लोग जब भी कोई शुरुआत करते हैं तो 1947 के बाद से ही भारत की शुरुआत करते हैं, भारत की परंपराओं को, भारत की विगत श्रेष्ठ संस्कृति को, भारत की श्रेष्ठ सभ्यता को कभी स्मरण करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, करते भी हैं तो दूसरे तरह से करते हैं। आज का आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं है, तो लड़ाई लोक और तंत्र की लड़ाई है। अपने देश में लोकतंत्र की व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था 1947 की आजादी के बाद स्थापित हुई, तो उस समय आजादी के लड़ाई के नेतृत्व करने वाले बापू मोहनदास करमचंद गांधी से लोगों ने पूछा, बापू देश आजाद होगा तो देश में कैसा शासन होगा? बापू ने कहा था, तुलसीदास के रामायण की उस चौपाई का उद्धरण दिया था, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हु नहीं प्यार, माने संताप विहीन राज्य व्यवस्था का नाम राम राज्य है और वही लोकतंत्र है। अगर राम राज्य लोकतंत्र है तो संताप विहीन राज्य व्यवस्था का नाम राम राज्य है और वही लोकतंत्र है। तो आमतौर पर लोकतंत्र में लोगों की आशाएं रहती हैं, अपेक्षा रखता है कि लोक कल्याणकारी काम तंत्र करेगा, और लोकतंत्र एक उत्तम शासन की व्यवस्था है, तंत्र समाज के लिए कल्याणकारी काम करेगा, इसीलिए लोकतंत्र की व्यवस्था श्रेष्ठ व्यवस्था है। लेकिन जब तंत्र अत्याचारी काम करने लगता है, जब तंत्र भ्रष्टाचारी काम करने लगता है, जब तंत्र सरकारी ताकत का इस्तेमाल लोगों को दमन करने के
लिए करने लगता है, जब तंत्र सरकारी खजाना की लूट सरकारी लोगों के द्वारा करने लगता है, तो लोग खड़ा हो जाता है उसके विरुद्ध में, और उसी समय से लड़ाई लोक और तंत्र की शुरू हो जाती है। और यह जो लड़ाई हो रही है, यही लड़ाई लोक और तंत्र की लड़ाई है। चाहे अन्ना उसका नेतृत्व कर रहे हो, चाहे रामदेव जी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई यही की नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई का अन्वेषण अन्ना ने कर लिया, कोई अरविंद केजरीवाल ने कर लिया, कोई रामदेव ने कर लिया, कोई बापू मोहनदास करमचंद गांधी ने कर लिया, कोई वीरेंद्र सिंह ने कर लिया, कोई गोविंद जी ने कर लिया, कोई आप लोग बैठे हुए कार्यकर्ता। अपना देश सनातन परंपरा का देश है, सनातन धर्म के हम अनुयायी हैं, तो देवासुर संग्राम की लड़ाई क्या थी? वह भी लड़ाई लोक और तंत्र की ही थी। लोक के पास समाज की शक्ति होती है, लोक के पास नैतिक अधिष्ठान होता है, लोक के पास सत्य की शक्ति होती है, लोक के पास सत्यता का अधिष्ठान होता है। इसीलिए तंत्र की अत्याचारी ताकत, तंत्र की सरकारी ताकत, तंत्र की भ्रष्टाचारी ताकत भारत में समाज की शक्ति के कारण, सत्य की शक्ति के कारण, नैतिक अधिष्ठान की शक्ति के कारण तंत्र लोक से हमेशा हार जाता है। इसीलिए देवासुर संग्राम में देवता बार बार हारते रहे थे राक्षसों से, लेकिन अंतिम जीत देवताओं की हुई, और आज भी उसका इतिहास के पन्नों में कहानी दर्ज है। मैं बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा, राम राज्य कब स्थापित हुआ, राम रावण का युद्ध क्या युद्ध है, राम रावण का युद्ध भी लोक और तंत्र का है युद्ध। तंत्र में सरकारी ताकत, तंत्र में तंत्र के साथ अत्याचारी ताकत, तंत्र के साथ भ्रष्टाचारी ताकत, तंत्र के साथ दुराचारी ताकत थी, और लोक के साथ नैतिक ताकत थी, समाज की ताकत थी, सत्य की ताकत थी। लोकतंत्र से जीता, और लोकतंत्र फिर लोक की राज्य स्थापना राम राज्य की तरह हुई। द्वापर में क्या हुआ? महाभारत का आज दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का हुआ 18 दिन, वो भी लड़ाई लोक और तंत्र की थी। तंत्र के साथ सरकार की ताकत थी, भ्रष्टाचारी ताकत थी, अत्याचारी ताकत थी, और लोक के पास नैतिक ताकत थी, समाज की ताकत थी, सत्य की ताकत थी। तंत्र हारा और लोक उस समय भी जीता, लोकतंत्र की स्थापना। और अध्यक्ष जी, यह कहने में मुझे हर्ष होता है कि हर युद्ध के बाद, उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में, बहुत मुगल शासनकाल की बात मैं नहीं करूंगा, लंबा होगा, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में बापू मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में 1942 का आंदोलन क्या था? लोक और तंत्र की लड़ाई थी, लोक जीता था, तंत्र हारा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जयप्रकाश नारायण का मेरा गांव, उनका गांव बगल का गांव है, इसलिए बातों को मैं बहुत बचपन से देखा हूं, नजदीक से देखा हूं। लोक और तंत्र की जब लड़ाई शुरू होती है तो लोक हमेशा जीतता है, तंत्र हमेशा हारता है, क्योंकि लोक के पास नैतिक ताकत होती है, लोक के पास सामाजिक ताकत होती है, लोक के पास सत्य की ताकत होती है, और तंत्र के पास भ्रष्टाचारी ताकत होती है, लोकतंत्र के पास अत्याचारिता और सरकारी ताकत होती है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अंग्रेज हारे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हारे हैं, तो आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार करने वाले, तंत्र के साथ जुड़े हुए लोग भी लोक और तंत्र की लड़ाई में लोक से जरूर हारेंगे, ये भरोसा आपको दिलाना है। लेकिन अध्यक्ष जी, एक बात मैं कह सकता हूं, मेरे पूर्व की वक्ताओं ने, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, और उस बात को मैं अपनी बातों में कहना चाहता हूं, मैं अपनी समझ से कहना चाहता हूं, यहां इस देश में संसदीय लोकतंत्र, इस देश में संसदीय लोकतंत्र में बहुदलीय लोकतंत्र है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में एक संसद एक अधिष्ठान है। संसद में जाने वाले सांसद उस अधिष्ठान के एक सदस्य है, लेकिन इस बात को मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इससे मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है कि लोगों ने कहा कि संसद में बैठने वाले सांसद जो कानून बनाते हैं वो इस लायक है ही नहीं। मैं भी संसद में 2 बार रहा, संसद में बैठने वाले लोग और संसद की शक्ति पर इस तरह की चुनौती खड़ी हो रही है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि संसद में बैठने वाले कुछ ही लोग हैं
जो कानून बनाने की व्यवस्था से पूरी तरह जानकारी रखते हैं और उसे संलग्नता भी रखते हैं, कुछ लोग जरूर हैं जिनका कानून से कोई सरोकार नहीं होता है, जो कानून बनाने की व्यवस्था से दूर होते हैं, जो इसीलिए कानून बनाते हैं जो अपने अनुकूल। लेकिन एक बार भी सब लोगों को यह बात कह देना कि संसद में बैठने वाले सांसद उस लायक नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं तो बड़ी सदा सहायता से कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं कि मैं ऐसा इस बातों से सहमत ना हूं। संसद में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो कानून बनाने की कला जानते हैं, कानून बनाने की बातों से सहमत है। लेकिन कुछ ऐसे भी बिगड़े लोग संसद में पहुंच गए हैं जो लोग सांसदों को गाली देते हैं, तो भी दूसरे दिन किसी को गाली मत देते चाहे झगड़ा जितना भी हो जाए, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ये पहुंचते कैसे हैं और पहुंचाता कौन है? अध्यक्ष जी, बात 1991 की है, स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना उसी समय हुई, मैं पहली बार सांसद बना था। आज के प्रधानमंत्री उस समय भी थे, नरसिंह राव प्रधानमंत्री होते थे। नई आर्थिक नीति के नाम पर भूमंडलीकरण होगा, आर्थिक उदारीकरण होगा, हम लोग पहली बार आए थे, पूछने लगे लोगों से कि ये क्या हो रहा है, लोगों को देश को खुशहाली का शब्द दिखाने का एक रास्ता दिखाया जा रहा था। तब हम लोगों ने समझा, मुरली जी यहाँ उपस्थित है, स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई, यहाँ गोविंद जी भी हैं, हम लोगों ने तब समझा कि आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण के कारण से इस देश में राजनैतिक क्षेत्र पर असर पड़ेगा, सामाजिक क्षेत्र पर असर पड़ेगा, आर्थिक क्षेत्र पर असर पड़ेगा, सांस्कृतिक क्षेत्र पर असर पड़ेगा, और आज इस बात को हम पूरी तरह देख रहे हैं। आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अध्यक्ष जी, ये कुछ बड़े पैसे वालों के लिए है, हिंदुस्तान के कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए नहीं है। और जो जिस इस तरह की आबादी हमारे देश में है, भारत के सर्वे के हिसाब से, अर्जुन सेन गिरता की रिपोर्ट से, कि 90 करोड़ लोग जहां इस देश में 20 रुपया मात्र रोज कमाते हैं, और 2 फीसदी लोग ऐसे हैं जो रोज 20 लाख रुपया उनका खर्चा करना जरूरी हो जाता है, तो उनके लिए है, लेकिन 90 करोड़ लोगों के लिए ये आर्थिक नीतियां नहीं। इसका असर पड़ा राजनीतिक क्षेत्र, इसका असर ये पड़ा कि 1991 में इस देश में 15 खरबपति थे, आज भारत सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि 153 खरबपति है। आप बताइए, जो संसद और जिस संसद की सरकार जिस तरह की नीति बनाती है, वो मात्र 10 सालों में 15 खरबपति से 153 खरबपति बनाती है, बनता है, पैदा करती है, तो 153 खरबपति जब पैदा होंगे तो इस देश में उनका संसद में बनने वाले कानून के कारण से 153 खरबपति पैदा होंगे, तो वो 153 खरबपति का पैसा, उसके पैसे का प्रभाव जब संसद का निर्माण करेगा, तो उसमें जाने वाले लोग फिर किस तरह का कानून बनाएंगे, फिर लोकतंत्र पर खतरा पैदा होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ लोकतंत्र की क्या है, पूछना कुछ आते हैं आप, मैं खत्म करूंगा, पूछ लीजिए। ये दलित लोकतंत्र की भी मैं बात करता हूं, अपराधी लोग कैसे पहुंच जाते हैं संसद में, भ्रष्टाचारी दुराचारी लोग कैसे संसद में पहुंच जाते हैं। केवल देश के लोकतंत्र का सवाल नहीं है, सवाल बहुदलीय लोकतंत्र में दल के आंतरिक लोकतंत्र का भी सवाल है। दल में भी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, और दल तय करता है कि ये फला व्यक्ति जाएगा चुनाव लड़ने, कार्यकर्ता समर्थक जिसको चाहते हैं वो नहीं जा पाता है, पार्टी का नेता चाहता है वो चुनाव लड़ता है, जीतता है या हारता वही जाता है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि दल में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, तो गांधी के उस बात को याद करना चाहिए जो इतिहास में, उस समय देश आजाद नहीं था, जब गांधी ने पट्टाभी को जिताने के लिए कांग्रेस के सारे सदस्यों से विनती किया था, सुभाष बाबू कार्यकर्ता और समर्थकों के प्रत्याशी थे, अब वल्लभ भाई पटेल से गांधी को कहना पड़ा था, वल्लभ भाई का मन उस समय सुभाष बाबू के साथ था कि मुझे कहना पड़ेगा कि मैं गुजराती हूं, तो वल्लभ भाई पट्टाभी के साथ हुए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, गांधी जैसा बड़ा जनाधार का नेता इस देश में कोई नहीं हुआ, लेकिन गांधी का प्रत्याशी, कांग्रेस का अध्यक्ष
पट्टा भी सीतारमैया की हार हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। ये दलित लोकतंत्र में कार्यकर्ता समर्थकों की ताकत होती है और गांधी को उस समय कहना पड़ा था कि सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, उससे बड़ा कोई नेता आज के दिन में नहीं। लोकतंत्र को अगर ठीक से पार्टी में स्थापित करने की बात की जानी चाहिए तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए और लोकतंत्र की श्रेष्ठ व्यवस्था के लिए पार्टी में भी आंतरिक लोकतंत्र की जरूरत है और गांधी से इस बात को सीखने की जरूरत है। इसलिए अध्यक्ष जी मैं कह रहा था कि पैसे के प्रभाव से बनने वाली विधायिका, चाहे गांव सभा की विधायिका हो, चाहे ब्लॉक सभा की हो, चाहे जिले सभा की हो, चाहे प्रदेश की सभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, पैसे के प्रभाव से बनने वाली विधायिका कभी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सकती। और इस बात को कहकर कोई कि संसद की शक्ति पर चुनौती दे रहा है और इस बात पर कहकर कोई आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश करेगा कि संसद में बैठने वाले सारे सांसद गंवार हैं और कोई सांसद नहीं जानता, इस बात को ठीक से जान लेना चाहिए कि संसद भवन में बैठने वाले सांसद इस तरह के भी लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है कि हम ईमानदार हैं और हम भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। ये बात जरूर जानना चाहिए। ऐसा नहीं जान लेना चाहिए कि जो बात करते हैं, जो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, जो आंदोलन का परामर्श करते हैं, सिर्फ और केवल वही ईमानदार है और इस देश में कोई ईमानदार बनता ही नहीं है। आप बताइए भ्रष्टाचार कौन करता है? भ्रष्टाचार वही न करता है जिसको अवसर मिलेगा। इस देश में 90 करोड़ लोग जो खेत में, खलिहान में, दुकान में, बाजार में काम करते हैं, उनको कहां अवसर मिला? किसान किस विधानसभा में पहुंचा है? मैं गांव में रहता हूं, देखता हूं गांव सभा में भी गांव प्रधान हो जाता है तो आम लोगों से कट जाता है, इसलिए कि पैसे के प्रभाव से गांव सभा का निर्माण किया होता है तो और लोगों से कट जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, पूछिए क्या कहना चाहते हैं। मन संचालन लोग कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं कर रहा। मैं पूछिए ना, अध्यक्ष जी मैं कह रहा था पैसे के प्रभाव से बनने वाली विधायिका कभी भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकती, इसलिए इस बात की जरूरत है कि अपने देश में लोकतंत्र रहेगा। अपने देश में मुझे भरोसा है, पता नहीं और लोग को भरोसा है कि नहीं, मुझे भरोसा है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा, मुझे भरोसा है कि इस देश में बहुदलीय लोकतंत्र रहेगा। सुधार वहां करने की जरूरत है और पैसे के प्रभाव से विधायिका को रोकने के लिए बहुदलीय लोकतंत्र में क्या जरूरत है, पैसे की रुकावट किस तरह से हो सकती है, इस बात की जरूरत है। और मैं कह सकता हूं इस बात को अध्यक्ष जी कि जो संसद इस देश में, इस देश की संसद यह कानून नहीं बना सकती कि इस देश के 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या क्यों कर लिया, उस देश के किसानों की उपज की लाभकारी कीमत का कानून हम नहीं बना सकते, उस संसद के सर्वोच्चता पर, उस संसद के शक्ति पर सवाल जरूर खड़ा होगा। जो संसद खुदरा व्यापारियों के, विदेशी कंपनियों के कब्जा से रोकने का कानून नहीं बना सकती, उस संसद के शक्ति पर सवाल जरूर खड़ा होगा। जो संसद यह कानून नहीं बना सकती है कि पैसे के प्रभाव से लोकसभा में आने वाले लोगों को हम तुरंत अपने लोकसभा से, राज्यसभा से बाहर करेंगे, और वो कानून नहीं बना सकती है, तो उस संसद के शक्ति पर संदेह जरूर पैदा होगा। एक संसद में जाने वाले व्यक्ति के नाते मैं कह रहा हूं कि संसद पर के शक्ति पर शंका क्यों पैदा हुई है और शंका कैसे पैदा हुई। यह शंका ही इसलिए पैदा हुई है कि आमजन के हित में लोक कल्याणकारी कानून जो संसद में बननी चाहिए, लोगों की जो अपेक्षा है लोकतंत्र के नाते, वो संसद बना नहीं रही, वो संसद कानून ये बना रही है कि 15 अरब खरबपति के का 10 साल में 153 खरबपति हो गए और 153 खरबपति इस देश में अपने पैसे के प्रभाव से विधायिका का निर्माण कराने की कोशिश करते हैं। जो उनके पैसे से संसद में पहुंचेगा, आप सहज सोच सकते हैं कि कानून उनके हित में बनाने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए अध्यक्ष जी मैं कह सकता हूं
कि भ्रष्टाचार का ये दानव बड़ा आकार जरूर लिया है, लेकिन लोक की शक्ति इस देश में इतनी शक्तिशाली है कि इस तंत्र के दानवी ताकत को हराए, ये मुझे भरोसा है, जरूर हराए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक बार जयप्रकाश नारायण कह रहे थे, बात 1975 की, अपने गांव पर बात हो रही थी, कि लोगों को आंदोलन इसी तरह का था। गुजरात से नव निर्माण आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था, फिर बिहार में शुरू हुआ था, गोविंद जी, राम बहादुर भाई साहब, ये सब लोग नेतृत्व कर रहे थे। जयप्रकाश जी ने कहा कि लोगों को ये लग रहा है कि इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने वाला आंदोलन सत्ता परिवर्तन जल्दी कर देता है, सत्ता परिवर्तन हो भी जाएगा, लेकिन कुछ वक्ताओं ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। उनको ज्यादा अनुभव है, मेरा तो उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है, सीखा है, वो बात मैं कह सकता हूं कि सत्ता परिवर्तन की लड़ाई तो जल्दी फरिया जाती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बहुत देर तक चलती है, बहुत दूर तक चलती है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, इसलिए मैं मानता हूं कि मैं किसान हूं, मैं चंपारण के किसान आंदोलन को देखा नहीं हूं, वहां के लोगों से सुना हूं, अवध किसान आंदोलन को मैं नजदीक से जाकर देखने की कोशिश किया है, उसके इतिहास को मैंने देखा नहीं, बारतोली के किसान आंदोलन, तेलंगाना के किसान आंदोलन बस खत्म करते हैं को मैंने पढ़ा। तो यह देश किसानों का देश है, किसान देर से खड़ा होता है लेकिन देर तक खड़ा है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इस देश का किसान जरूर लड़े, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि चिंता की जरूरत नहीं है। यह देश हमेशा कोई युद्ध लड़ता है तो युद्ध के घटना के बाद इस देश में जो स्थापना होती है व्यवस्था की, वही स्थापना धर्मराज के, युधिष्ठिर के नेतृत्व में हो, युद्ध के बाद जो भी व्यवस्था बनती है वो राम राज्य के तौर, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नेतृत्व में हो, चाहे देवासुर संग्राम में देवताओं के नेतृत्व में हो, लेकिन यहां व्यवस्था की परिवर्तन तो युद्ध के घटना के बाद ही हुआ है देश, इसलिए युद्ध जरूरी। और युद्ध अगर नहीं होगा तो मैं कह सकता हूं इस बात को, एक किसान होने के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूं कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो फिर पैसे के प्रभाव से शासन करने वालों की तादाद जरूर बढ़ेगी। अगर पैसे के प्रभाव से शासन करने वालों की तादाद कम करनी है तो युद्ध करना जरूरी है, और युद्ध जरूर होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि युद्ध जरूर होगा, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अंधेरा बहुत है, भ्रष्टाचार का अंधेरा पूरा देश में छाया हुआ है, लेकिन भारत माता के सपूतों को इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए, आधी रात के बाद जो समय होता है उजाला आने वाला होता है, इसलिए सवेरा जरूर होता है।